जनपद रुद्रप्रयाग में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा किसानों एवं समूहों के द्वारा उनके उत्पादों को बाजार तक एग्री क्लिनिक वाहन वैन के माध्यम से पहुंचाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। कल तक क्या कहा जा रहा था, रात तक क्या कहा जा रहा, उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बीच में आए, उन्होंने आके सारे पे पानी फेर दिया। वो कह रहे धामी जी के भी हाथ में कुछ नहीं है, अब तो इनके धामी जी के भी आका जो ऊपर दिल्ली में बैठे हैं वही कुछ करेंगे इसमें। तो बताओ हम लोग क्या करें, आप पत्रकार ही बताओ कि आप एक हमारा चौथा स्तंभ हो, आप ही बताओ हम लोग करें क्या। सरकार ने चार नाम दिए हैं जनता को भ्रमित करने के लिए, एरो सिटी, स्मार्ट सिटी, टाउनशिप और पता नहीं क्या क्या। हमारा जो है डोईवाला क्षेत्र में जो इन्होंने एक नक्शा तैयार किया है वो सभी गांवों को बचाने की लड़ाई है। यहाँ टोटल खेती की जो भूमि है, देहरादून का मशहूर जो बासमती चावल जिससे देहरादून का नाम भी कहीं वर्ल्ड में फेमस होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ कोई भी टाउन सिटी नहीं बनने जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक टाउन सिटी के आए थे पीएसएल राव जी, उसके बाद किसानों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये अगर मुख्यमंत्री जी के कहने पर अगर बात नहीं मान रहे हैं तो ये कारण क्या है। रुद्रप्रयाग में विभिन्न जो हमारे उत्पादक समूहों से जुड़े हुए विभाग हैं या किसानों से जुड़े हुए विभाग हैं, उनके काश्तकारों को और उनके लाभार्थियों को विभागीय जो योजनाओं का लाभ है वो कैसे पहुंच पाए, और दूसरा उनके जो उत्पाद हैं उनको जनपद मुख्यालय तक कैसे लाया जाए, इसके लिए कृषि विभाग के माध्यम से एग्री क्लिनिक वैन का संचालन जनपद में किया जा रहा है।